अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सॉल्यूशन। किसान भाई, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रिपल जीन यानी ट्रांसजेनिक काटन WG.22 यानी कि वेल AG 22 की जो एक वैरायटी है उसकी इम्तियाजी खसूसियात। ये अलादीन ग्रुप्स की है जनाब। ये मेरा क्योंकि काफ़ी टॉपिक ट्रिपल जीन पर हम बना चुके हैं और हर वैरायटी पर आप लोगों को बता चुका हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को बताना, इनकी खसूसियात तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन मेरा आप लोगों को सिर्फ ये बताना कि ये किस कंपनी की है और ये किस बंदे ने ब्रीड किया है और इस नाम से वैरायटी मौजूद है, इस नाम से मौजूद नहीं है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप कहीं धोखा ना खा जाएं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को वैरायटी दर वैरायटी भी बता रहा हूं, आप उनका ब्रीडर का नाम का बता रहा हूं और उनकी कंपनी के बारे में बता रहा हूं, ताकि आप लोग सही जगह पे ही सीड खरीदें। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है, हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं तो। अगर सब्सक्राइब किया हो तो नहीं करना, बेल आइकन को इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सके। किसान भाइयों, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम पहले भी काफ़ी टॉपिक पर बात कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस का विज़िट किया होगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो हमारी चैनल को विज़िट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को हर किस्म की मालूम मिल जाएगी। तो अगर आप लोग कारों के हवाले से अगर कोई मालूम लेना चाहते हैं तो जाफ़र मोटर के नाम से हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़राअत के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो ये एग्री सॉल्यूशन, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी टॉपिक पर पहले भी बात हो चुकी है और बहुत से टॉपिक पर बात हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे हमारी चैनल का विज़िट करेंगे और हम कमेंट की सूरत में हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर करेंगे। किसान भाई, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक यानी ट्रांसजेनिक काटन WG 22 यानी अलादीन ग्रुप्स की 22 जो वैरायटी है ट्रिपल जीन की, उसकी खसूसियात के हवाले से। कपास की काश्त, कपास की देखभाल, कपास की सुपरविजन, कपास के बारे में सीखना सिखाना एक जुनून है। और ये 2000 साल इस साल यानी 2022 में ये जो जुनून है ये सर चढ़ कर बोल रहा है यकीनन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि काटन की वापसी का साल है और किसानों की फेवर में पिछला साल भी जा रहा था कि यानी कि पिछले साल में भी किसानों को अच्छे खासे रेट मिले हैं और उनकी जो पैदावारी लागत है वो भी कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादा हीट ना होने की वजह से उस कपास ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी पैदावार दी है। किसान भाइयों, ट्रिपल जीन काटन WG 22 की ये एक ट्रिपल जीन वैरायटी है और इसकी जो खसूसियात हैं वो गुलाबी सुंडी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़े रखने वाली है, इसको जिसके उर्फ आम में पिंक फ्री कहते हैं, और ग्लाइफोसेट के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़े रखने वाली है। आप इस पे ग्लाइफोसेट भी कर सकते हैं, आपके गोडी के अखराजात बच सकते हैं। कम खर्चा और मुनासिब खाद और बड़े कद और सफ़ेद मक्की के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़े रखने वाली वैरायटी है। भरपूर फ्रूट, इसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी है और इनके जो टिंडे हैं वो बड़े खासे अच्छे लगते हैं और इसका तना भी बहुत मजबूत है और गिरता भी नहीं है, और इसका जो थ्रिप्स का अटैक है वो भी इस पे कम होता है। किसान भाइयों, ये शेडिंग भी बहुत कम करती है और गर्मी को बर्दाश्त करने की भी इसमें सहलियत मौजूद है और इसकी पैदावारी सहलियत 50 से 70 मन तक का है। और डॉक्टर अदीस नासिर अवान साहब ने ये वैरायटी जो है ना बनाई है, यकीनन ये डॉक्टर अदरीस नासिर अवान साहब का एक शाहकार वैरायटी है, क्योंकि ये जो ब्रीडर हैं हमारे, ये हमारे रोशन मुस्तकबिल हैं और ये लोग हमारी ऐसे समझें कि ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इन्होंने काटन में मुख्तलिफ जीन को इस्तेमाल करके अब ये ट्रिपल जीन पे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खसूसियात की हामिल हैं और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आइंदा काम करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के करम से ये हमें एक नई सोच और नई वैरायटी की जानब जो है ना हमें रागब करेंगे। किसान भाइयों, इंशाल्लाह ये अगला दौर ट्रिपल जीन काटन का है और किसान भाइयों, बीज खरीदते वक्त नहायत ही ज़िम्मेदार और अच्छे डीलर से ख़रीदें। अगर आप सीड माफिया से बच गए तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों, मैं पिछली काफ़ी वीडियो पर टॉपिक पर कवर कर चुका हूं कि ट्रिपल जीन वैरायटी किन कंपनियों के पास है। आप लोग उस वीडियो को देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो इस कंपनी से आप ले रहे हैं कि ये ट्रिपल जीन है या नहीं है, क्योंकि ट्रिपल जीन वैरायटीज़ बहुत कम मिकदार में हैं और हर बंदा अक्सर सीड माफिया ने लूट सेल लगाई हुई। आप इनसे ज़रूर बचना और कोशिश करना कि एक अच्छे बंदे से और मियारी लोगों से ही ख़रीदनी है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो बच जाएंगे, वरना ये ट्रिपल जीन सब कुछ फेल हो जाएगा। किसान भाइयों, ये आप वैरायटी देख रहे हैं और माशाल्लाह इसकी फ्रूटिंग भी देखें और इसका पौधे को भी देखें।